नमस्कार, आप देख रहे हैं E7 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना के सकलदेव नगर में अज्ञात अपराधियों ने हथौड़े से पीट पीट कर की युवक की हत्या। रात में घर में घुसे कई अपराधी माँ बाप समेत बेटे हर्ष कुमार को बेरहमी से पीटा। बेटे की मौत, बेटी ने भाग कर बचाई जान। पटना, चंपारण समेत 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर और दक्षिण बिहार में गरज के साथ 8 से 23 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान। मानसून फिर से सक्रिय, मौसम विभाग ने दी जानकारी। बिहार में 5 जिलों में तेजी से घटा कोरोना। 15 जुलाई को 125 नए मामले आए तो वहीं 19 जुलाई को घटकर हुए 54। एक्टिव मामलों में 117 की कमी। 10वीं का रिजल्ट 22-23 जुलाई तक संभव। स्कूल से भेजे मार्क्स के रिव्यू में जुटी CBSE। नियमों के मुताबिक मॉडरेशन नहीं करने वाले स्कूल का रिजल्ट 31 जुलाई के बाद। 12वीं का अगले सप्ताह तक आएगा रिजल्ट। एक युवक के साथ मारपीट के बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े। युवक की पिटाई के बाद झालावाड़ में तनाव। थाने पहुंचे दोनों पक्ष, पत्थरबाजी और फायरिंग की अफवाहों से भड़के। वहीं आगजनी के बाद इंटरनेट किया बंद। बाली थाना क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र की दो नाबालिग बहनों के साथ किया गैंगरेप। शादी में गई थी दोनों बहनें, घर छोड़ने का झांसा देकर जंगल में ले जाकर किया गैंगरेप। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में सूखे का डर। इंदौर, जबलपुर समेत 33 जिले रेड जोन में। मुरैना, पन्ना में सिर्फ 30% बारिश। प्रदेश में 19 जुलाई तक होनी चाहिए थी करीब 30 मिलीमीटर बारिश, लेकिन 230 मिलीमीटर ही हुई। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। प्रदेश के 4 बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। कमलनाथ सरकार ने 15-45% तक रेत निकालने का बनाया था प्लान। गुरु पूर्णिमा पर दादाजी मंदिर में प्रवेश बंद। खंडवा जिले के सीमाएं आज रात से होगी सील। कोरोना संक्रमण के चलते 21 से 23 जुलाई तक बंद रहेगा मंदिर। तो वहीं 350 किलोमीटर का सफर तय कर आज पांडूरना से खंडवा आएगा रथ। भोपाल के बागसेवनिया इलाके में मंगलवार सुबह एक युवक की लाश एक्टिवा के साथ नाले में मिली। पानी में डूबा था आधा शव। पुलिस शिनाख्त में जुटी। गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिसकर्मी कर रहे हैं जांच। फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए E7 न्यूज के साथ। नमस्कार।